नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में आज हम बात करेंगे सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र की। सिकंदरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जमुई जिले और जमुई संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सुरक्षित है। लगभग सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा किए जाने के बाद सिकंदरा विधानसभा सीट क्षेत्र की राजनीति में अचानक भूचाल आ गया है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाने के बाद यहाँ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता भी नाराज है। आइए जानते हैं सिकंदरा विधानसभा सीट की राजनीतिक इतिहास और मौजूदा हालात के बारे में। साल 2015 के चुनाव को देखा जाए तो इस सीट पर सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी विधायक निर्वाचित हुए। वे इस चुनाव में 59,092 वोट हासिल किए थे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे थे। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी उम्मीदवार की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस की 51,102 वोट मिले थे। वे लोजपा पार्टी से थे। दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर 7,990 रहा था। अब हम साल 2010 के चुनाव परिणाम को देखें तो इस चुनावी साल में रामेश्वर पासवान जदयू से विधायक चुने गए। उन्हें इस चुनाव में 39,829 वोट प्राप्त हुए थे। उनके निकटतम उम्मीदवार की बात करें तो लोजपा प्रत्याशी सुभाष चंद्र बोस 27,468 वोट प्राप्त कर 12,361 वोट से पीछे हो गए थे। अब हम साल 2010 के चुनाव परिणाम की तरफ चले तो इस चुनावी साल में रामेश्वर पासवान ही विधायक चुने गए। अक्टूबर महीने में वे जदयू के टिकट से रहे थे, वहीं फरवरी महीने में वो लोजपा से थे। साल 2000 के चुनावी नतीजों की तरफ चले तो इस साल इस सीट पर केएसपी से प्रयाग चौधरी विधायक निर्वाचित रहे। साल 1995 में भी उन्हीं का वर्चस्व रहा था, लेकिन इस साल वे सीपीआई के टिकट से रहे थे। चुनावी साल 1990 की तरफ हम चले तो इस साल भी सीपीआई का कब्जा रहा था। सीपीआई के टिकट से प्रयाग पासवान विधायक निर्वाचित हुए थे। क्षेत्र के विकास कार्यों की तरफ चले तो इस क्षेत्र में निर्माण कार्य को प्रधानता दी गई, बिजली की आपूर्ति करवाई गई और पेयजल को घर घर तक पहुंचाया गया। सरकारी भवन और विद्यालयों का निर्माण हुआ। चुनावी मुद्दों को देखा जाए तो स्थानीय लोगों के मुताबिक आज भी लंबे समय से समस्या का पूरी तरह नहीं निकाला जा सकता। स्वच्छता के मामले में इलाके की स्थिति अच्छी नहीं है। सिकंदरा के अनुमंडल बनाए जाने की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब तक यह पूरी नहीं हो पाई है। साल 2015 में यहां से कांग्रेस से सुधीर कुमार रहे थे। साल 2010 में जदयू से रामेश्वर पासवान विधायक हुए। 2005 में भी जदयू से रामेश्वर पासवान ही विधायक रहे। साल 2000 में केएसपी से प्रयाग चौधरी विधायक रहे। साल 1995 में प्रयाग चौधरी विधायक रहे थे, हालांकि इस साल वे सीपीआई से विधायक रहे थे। साल 1990 में सीपीआई से प्रयाग पासवान विधायक निर्वाचित हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर महागठबंधन की तरफ से वर्तमान विधायक बंटी चौधरी को उम्मीदवार बनाए जाने की स्थिति में स्थानीय लोगों के द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार उतारा जा रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय जनता विधायक बंटी चौधरी का विरोध कर रही है। एनडीए की तरफ से यह सीट जीतन राम मांझी के हम के खाते में चली गई है और हम पार्टी ने अजनबी चेहरा प्रफुल्ल मांझी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिस कारण भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं लोजपा के कार्यकर्ताओं में भी रोष देखने को मिल रहा है। लोजपा द्वारा दलित सेना के जिलाध्यक्ष रविशंकर पासवान को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद 2010 और 2015 में मामूली वोटों से मात खाए सुभाष पासवान ने बागी तेवर अपना लिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं। राजनीतिक दलों को आईना दिखाने के लिए सर्वदलीय उम्मीदवार उतारने की मांग उठने लगी है। कुल मिलाकर सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में इस बार लड़ाई दिलचस्प रहने वाली है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।